चार दिवसीय छठ पूजा बृहस्पतिवार से विधिवत शुरू हुई। पहले दिन छठ व्रतियों ने पूरे घर की सफाई की, साथ ही शुद्धता के साथ शाकाहारी भोजन पकाकर बनाया, जिसमें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर उसी समय से अगले दिन तक शाम तक निर्जला व्रत रखा। वैसे तो ये त्यौहार बिहार से ज़्यादा प्रवचन में, लेकिन अब इसे यूपी में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिहारी छठ पूजा समिति के कुल समाजसेवी, जो कि अगले दो वर्षों से विशेष देखरेख में माने जाते हैं, इस त्यौहार को सफल बनाने में संतोष सोनी, नीतीश गुप्ता, महेश गुप्ता का काफ़ी सहयोग रहा। संजय गुप्ता व सुमन श्वेता आराधना सिंह ने बताया कि आस्था और विश्वास का चार दिवसीय छठ पूजा कार्यक्रम बृहस्पतिवार से शुरू होकर चार दिन तक चलने वाले पर्व इसका बहुत महत्व है। इसमें बिहार समाज के लोग कई तरह के व्रत रखते हैं। इस व्रत को लेकर मान्यता है कि भगवान सूर्य ही ऐसे देवता हैं जो रोजाना दर्शन देते हैं और धरती पर प्रकाश पुंज फैलाते हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, इससे पूजा करने वाले व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। महिलाएं इस व्रत को अपने बच्चे व परिवार के सुख समृद्धि के लिए भी रखती हैं। बताया जाता है कि तस्य ऋषि को छठ पूजा करने के बाद ही पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इससे लोग पुत्र व सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत करते चले आ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।